एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर का नाम और इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेरी का, ये क्वेरी काफी इजी टॉपिक है और अगर आप ये क्वेरी को लिखते हैं तो ये क्वेरी आपको सिंटेक्चुअली इजी दिखाई देता है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का मतलब आपके पास प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उन मेथड्स का आप यूज करके जेक्वेरी पर काम करते हैं। तो मैं अगर सिंपल सी बात दें, अगर मैं सिंपल सी एक notes.txt नाम से एक फाइल क्रिएट करूं, अगर जेक्वेरी के बारे में बोला जाए तो जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है means बने हुए आपके पास मेथड्स चीजें आपके पास पहले से हैं, आपको बस उन्हें क्या करना है, यूज करना है। इजी टू राइट है, अगर आप बात करेंगे तो ये इजी टू राइट है, इजी टू लर्न है, ऐसा कह सकते हैं। लाइन ऑफ कोड जो है इस पर आप यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो आप जावास्क्रिप्ट में कोई कोडिंग कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप देखो तो आप बटन पे क्लिक करने पर भी अगर आपको कुछ करना है तो आपको हो सकता है तो कोड दो लाइन का या तीन लाइन का लिखना पड़े जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जब जेक्वेरी यूज करते हैं तो जेक्वेरी में लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इजी है, मेथड्स बनी हुई है, बस आपको मेथड पता होनी चाहिए कि कौन सी मेथड से क्या होता है। नंबर ऑफ मेथड्स होंगी, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 10 अगर पढ़ा दी सामने वाले टीचर ने तो 10 ही मेथड्स होती होंगी, ये तो नहीं होगा। मेथड्स पे डीलिंग करती बेसिक बात ये है, जैसे हाइड करने के लिए हाइड मेथड, शो करने के लिए शो मेथड, स्लाइड डाउन करने के लिए स्लाइड डाउन मेथड, टॉगल करने के लिए टॉगल मेथड, ऐसे मेथड्स बनी हुई नंबर ऑफ मेथड्स। जो काम जावास्क्रिप्ट करती है वही काम जेक्वेरी करती है। जब स्मॉल प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो वो बंदा क्या यूज कर लेता है, क्योंकि इजी है, मेथड्स हैं, बस मेथड पता होनी चाहिए कि कौन सी मेथड से क्या होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए आप जेक्वेरी का यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको बहुत उस पर टाइम वेस्ट करना हो, और इजीली आपको समझ में आता है। बस एक बार सिंटेक्स आपको समझ में आ गया तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। सेम चीज का ध्यान रखें, जो काम जावास्क्रिप्ट करती है वही काम करती है, बस उसकी लाइब्रेरी बनाकर रखी गई है चीजों को रिड्यूस करने के लिए, लाइन ऑफ कोड हल्का हो, बाकी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होता है हमारा। हम पेज पर अगर बात करें कि जेक्वेरी को कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने एक a.html नाम से कोई पेज बनाया, मैं आगे एक बात और बताना ऐड करना चाहूंगा, ये आपको इन फ्यूचर पे हेल्प करेगी। जेक्वेरी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जेक्वेरी से नहीं हो पाती हैं, तो हमें जेक्वेरी प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है। अब लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है, सर्वर हैवी हो जाता है, और सर्वर जब हैवी होता है तो कोशिश की जाती है कि जेक्वेरी को कम यूज करें। अब ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये डेवलपमेंट सिनेरियो है। मैंने एक बात बोली कि जेक्वेरी में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जेक्वेरी से नहीं होते हैं, तो जेक्वेरी में प्लगइन बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर आपको स्लाइडर बनाना है, स्लाइडर तो सब जानते हैं, तो इमेज मूव करने वाला स्लाइडर बनाने के लिए कैरोसेल करके एक प्लगइन बना हुआ है, नंबर ऑफ प्लगइन होंगे जेक्वेरी के अंदर। उन प्लगइन्स को हमें अपने पेज पर इंक्लूड करना होता है। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, 5-10 मिनट की वीडियो है, उसको देख के आपको समझ में आ जाए।
तो उस पर्टिकुलर प्लगइन्स को हमें अपने पेज पर इंक्लूड करना होता है। अब ऐसे हो सकता है कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो हमें किसी पर्टिकुलर चीज को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना। जब इंक्लूड करते हैं तो सर्वर क्या हो सकता हैवी हो सकता है, इससे कि पेज हमारे सिस्टम पर आने में, दिखने में क्लाइंट को स्लो हो सकता है। तो इसीलिए जीक्वेरी की जगह पर जब इस तरह के टास्क होते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड है। तो बहुत बड़ा ऐसा इस तरह का कोई टास्क हो जिसमें मुझे प्लगइन की जरूरत पड़े, उसकी जगह पर क्या यूज कर लेते हैं बंदे, जावास्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप इसको धीरे धीरे जब कंपनीज की तरफ जाओगे या वर्किंग करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि मैंने क्या बात बोली। स्मॉल काम करने के लिए, छोटा कोई काम तब होती जीक्वेरी में नंबर ऑफ प्लगइन्स बने होते हैं। प्लगइन्स का मतलब ये मान के चलिए बना हुआ, किसने बना रखा है मतलब। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि स्लाइडर वाली बात, ये एडवांस बात बोली गई है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे को क्या लगाना है, कैरेसल लगाना है, स्लाइडर लगाना है। तो आप स्लाइडर की बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने गूगल किया, मैंने कहा जेक्वेरी कैरेसल प्लगइन, इस तरीके से कुछ भी सर्च करने की, इस तरीके से कुछ सर्च किया, अगर मुझे चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके का चाहिए, तो हमारे पास इस तरीके के कोड ऑलरेडी डेवलपर्स ने बना रखे होते हैं। हमें उन पर्टिकुलर प्लगइन्स को क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है या उन्हें यूज करना पड़ता है प्री फ्रंट एंड इस तरीके से। तो अगर हम इन्हें यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जैसे सीएसएस कर्सर, बूटस्ट्रैप कर्सर, व्यू कर्सर, ये सब बने हुए होते हैं। तो हमें इन पर्टिकुलर जो भी कोड होगा उस पर्टिकुलर कोड को, इसके प्लगइन्स को अपने पेज पर क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, उसके बाद हमें लगाना पड़ता है। ऐसे जेक्वेरी के भी होंगे तो आपके पास इस तरीके की साइट्स मिल जाती है, इन साइट्स को आपको देख के उन्हें यूज करके प्लगइन्स को कैसे लगाते हैं उन्हें बताया हुआ होता है कि कैसे लगे, ठीक है। जब इस तरीके का काम होता है तो उस टाइम पर हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। उसने बनाई होंगी उस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर या उसका लिंक विंक देखकर, फिर उसको लगाना पड़ता है। तो ये फ्यूचर वाली बात है कि अगर हम सिंपली बात करें तो जेक्वेरी का कोड कंपेरेटिवली इजी होता है जावास्क्रिप्ट, ये तो फ्यूचर वाली बात है। तो इसीलिए आज की डेट में जावास्क्रिप्ट को ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, सब जेएस 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 है, जावास्क्रिप्ट 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 फ्रंट एंड। एचटीएमएल सीएसएस से ही पेज बनेगा, पेज जावास्क्रिप्ट से नहीं बनता। तो अभी इसीलिए हम ज्यादातर फोकस करने लगे हैं किस पर, जावास्क्रिप्ट पर। मान लो अब तुम्हारा कोई क्लाइंट है, तुमसे काम करा रहा है, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, उसके प्रोजेक्ट इतना महंगा नहीं है, बेसिकली मान लो 10,000 का 15,000 का कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 20,000 का किसी का काम कर रहा है, 50,000 तक का भी काम कर रहा है, तो आप HTML CSS jQuery ऐसा यूज करोगे क्योंकि ईजी पड़ेगा। और जब कंपनी काम कर रही है किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे, तब काम किया जाएगा रिएक्ट पे, बैकेंड पे, नोड पे, अगर कंपनी का क्लाइंट है वो अच्छा पैसा दे रहा है तब। तो सिनेरियो को आपको पता हो, स्टार्टिंग पर जैसे पीएचपी, पीछे पीएचपी, तो पीएचपी क्या है, बैकेंड का काम कर दिया। अब कोई क्लाइंट है ज्यादा मनी नहीं दे रहा है तो कंपनी है उसके हिसाब से डील करेगी, बैकएंड में पीएचपी यूज कर लेंगी, फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरी यूज कर लेंगी,
क्लाइंट के पैसे पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा दे रहा, उस हिसाब से हम लैंग्वेज चूज करते हैं। जेक्वेरी लिखने में आसान होगी तो हम जेक्वेरी पे काम करेंगे, इन चीजों को समझना होता है। तो ये धीरे धीरे आपको खुद समझना होगा किस तरीके से वर्किंग होती। शुरू शुरू में सब कंफ्यूजन लगता है कि क्या हो रहा है। आप लिखते हैं, देखिए जेक्वेरी लिखना कितना आसान है। आपने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेट किया, ऑल्ट प्लस जेड, यहाँ पर आए। लेट से मैं सिंपल सा कोई भी एक टेक्स्ट बना रखा है H1, और इस पर मैंने लिख रखा है गुड मॉर्निंग, कुछ भी अगर लिखा। और लेट से नीचे एक बटन बना है और बटन पर मैंने क्लिक लिखा है। और अगर मैं पेज पर देखूं, अगर मुझे इस पर जावास्क्रिप्ट लगानी है, तो जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए या जेक्वेरी लगाने के लिए मुझे जेक्वेरी को यूज करने के लिए क्या करना है, जेक्वेरी की साइट पर जाना है, जो भी जेक्वेरी की साइट है। जैसे मान लो मैंने जेक्वेरी सर्च, और जेक्वेरी के हम सीडीएन कर गए। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हमारे पास जो नया वर्जन चल रहा है वो है 3.6.1। इस पे मैंने मिनिफाइड पर क्लिक किया। मिनिफाइड पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर। तो मेरी वेबसाइट है, इसके सीडीएन में जो वर्जन है उसको ही मैंने मिनिफाइड पर क्लिक करके कॉपी कर लिया। या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है तो आप दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अगर जेक्वेरी पे जाते हो तो जेक्वेरी की साइट पर नीचे जाकर कहीं ना कहीं आपको लिंक तो मिल जाएगा। ओके, सीडीएन पे मिल जा रहा है, मैं क्रॉस ब्राउजर पीछे सीडीएन पे ही आपको यूनिफाइड से ही लिंक तो मिल रहा है। उस वाले लीडियन को आप कॉपी कर लो, यूनिफाइड पर क्लिक, ये वाला लिंक, इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर। इसका मतलब क्या है कि आपने जेक्वेरी कहीं लिखी गई है, उस सर्वर पर जेक्वेरी चल रही है, उस सर्वर के लिंक को अपने पेज पर क्या कर दिया है, लगा दिया है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपके पेज पर जेक्वेरी क्या होगी, इंक्लूडेड होगी। ये सीडीएन वे है। एक वे होता है कि आप क्या करते हैं, इस जेक्वेरी को डाउनलोड करते हैं। अनकंपेयर आपने डाउनलोड करी, फिर इसको अजीब किया, तो पूरे के पूरे जितने भी फोल्डर्स इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। और डाउनलोड होके आपने जो फोल्डर बना रखा उसके अंदर इन फोल्डर को क्या करोगे, ऐड करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, इस साइट को अगर आप लॉन्च करो, कल के दिन GoDaddy.com से आपने कोई डोमेन परचेस किया और आप इसे लॉन्च कर रहे हो, तो सर्वर में काफी सारे फोल्डर्स होंगे, तो उससे सर्वर क्या होगा, स्लो होगा, आपकी साइट क्या हो जाएगी, स्लो होगी इस केस में। तो जब बेसिक काम किया जाता है तो आप क्या कर लेते हैं, इसे मैनिफाइड सीडीएन को लिंक करा देते हैं। तो आप जेक्वेरी आपके पास नहीं है, जेक्वेरी का आपके पेज पर सिर्फ और सिर्फ आपका कोड है, ये सीडीएन का कॉल करता है। जरूरी बात, इन फ्यूचर इसी बात को ब्रेक कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई आप क्या करते हैं, जब कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको ये बोला जाएगा कि जेक्वेरी क्या करो, डाउनलोड कर लो। बट बेसिक अगर सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, जेक्वेरी अलग फोल्डर पर चल रही है, आपने कोई फोल्डर वोल्डर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप बस अपने काम पर फोकस कर रहे हो, स्क्रिप्ट लिखने पर। अब स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, बस इस सिंटैक्स पे फोकस करना है, यही बार बार रिपीट होगा। हमने क्या लिखना होता है, हमने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, क्या है डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, इसको मैंने अलर्ट करा दिया, अलर्ट गुड मॉर्निंग, कुछ भी अगर लिख सकते ले गया। मैंने जेक्वेरी इंक्लूड करी और स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा सिंटेक्स लिखा, डॉलर से स्टार्ट करा जाता है, ऐसे डॉलर चलता है जेक्वेरी, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन अलर्ट गुड मॉर्निंग,
और इस पेज को मैंने रन करा, लेट्स से ऊपर भी टाइप सर्वर, इस पेज पर होता क्या है? तो देखो क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग। ये चीज क्या है बेसिकली, अगर ये देखा जाए कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन अलर्ट गुड मॉर्निंग, इसका मतलब ये ऑनलोड है। इसकी जगह पर आप जो जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, जैसे कट कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट अगर यूज करते तो जावास्क्रिप्ट में यहां पर क्या लिखते हैं, ऑनलोड, कि ऑनलोड पर एक फंक्शन को फायर करो और इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर बनाओ। फंक्शन कौन सा? F1, बॉडी का ऑनलोड है। मैंने अलर्ट लिख दिया यहां पर क्या, गुड मॉर्निंग। अब सिंटेक्स मैंने तो नहीं बना रखा है ना, आप ध्यान रखा करो इन बातों का कि सिंटेक्स घर से नहीं बना के लेके आया है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है इसलिए उसको सिंटेक्स याद हो जाता है। हम यहां पर कंट्रोल प्लस एस करें और जाकर पेज पर देखें तो आप देखिए यही तो हो रहा था, गुड मॉर्निंग। अब इसी सिंटेक्स को लिखने के लिए, इसी जो सिंटेक्स हमने लिखा है, सिंटेक्स को ऑन लोड की जगह पर इन लोगों ने कैसे बना रखा है, इसे दोबारा लिखते हैं उसी सिंटेक्स को। आप देख, हम यहां पर पेज पर आए, मैंने रेगुलर पेज पर यहां पर सिंटेक्स को लिखा और लिखते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी के अंदर क्या फंक्शन, फंक्शन पे जो भी कुछ आप करना चाहते हो, कि जैसे ही लोड हो तब आप क्या करना चाहते हैं, वो सिनेरियो आप यहां पर लिख सकते हैं। ये ऑन लोड है, इसी सिंटेक्स को और इजी कर सकते हैं। अभी मैं इसी को फॉलो करते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट फंक्शन। इसके अंदर अगर मैं ये कहना चाहूं, बटन पर क्लिक करके इस H1 को हाइड करना है, तो सिंटेक्चुअली देखना कैसे लिखते हैं। मैंने यहां पर पेज पर आया, मैंने कहा डॉलर बटन पर क्लिक करने पर, ध्यान में पढ़ कैसे रहा हूं देखो, बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो और इस फंक्शन के अंदर जो मैंने H1 बना रखा है उस H1 को क्या कर दो, हाइड कर दो। मेथड है सिंपल, डॉलर बटन डॉट क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो और जो मैंने H1 बना रखा है वो क्या कर दो, हाइड कर दो। तो डॉलर डॉलर आगे चल रहा है बस। मैं यहाँ पेज पर आया, मैंने लेट से इस कॉन्सेप्ट को, इस बटन को सिंगल कोड के अंदर लिखा, इस H1 को सिंगल कोड के अंदर लिखा। यहां पर पेज पर और जाकर अगर मैं पेज पर देखूं, जैसे मैं इस पर क्लिक प्रेस करूं क्या हो रहा है, इसी कोड को जब आप सीएसएस जावास्क्रिप्ट में लिखना होता तब आप क्या कर रहे होते हैं, डिस्प्ले नन, उसकी आईडी वाईडी गेट कराते, डिस्प्ले क्या करते, नन करते। लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग को खेलना पड़ता है बस, ठीक है। बिल्कुल फ्री होना चाहिए कोडिंग करते समय, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। आपने क्लिक किया वैसे ही हाइड, क्योंकि हाइड नाम की मेथड से, और उस पर्टिकुलर पर अब जितने भी, अब नोटिस करना है यहां पर मेरी बात कि भाई जितने भी H1 बना रखे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अगर मैंने यहां पर क्या कर रखा है, गुड आफ्टरनून लिखा है और कंट्रोल प्लस एस किया सेव, और जाकर पेज पर देखूं कि क्लिक प्रेस करने पर ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने H1 को हाइड किया है। ध्यान देना यहां पर बात, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के तरीके, आईडी क्लास। हम पेज पर आए, हमने फिर सिंटेक्स को देखा कि भाई ये पर्टिकुलर जो सिंटेक्स है उस पर इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप आईडी के बेस पर कर सकते हो या फिर किसके बेस पर कर सकते हो, क्लास के बेस पर कर सकते हो। लेट्स से मैंने शुरुआत करी आईडी के बेस पर, इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब मुझे यहां पर H1 को हाइड नहीं करना है, किसको करना है, किसी पर्टिकुलर आईडी को। तो मैं यहां पर उस पर्टिकुलर आईडी को कैसे लिखता, हैश से लिखता, आईडी को हैश से लिखते हैं। मैंने क्या किया, बटन पर क्लिक करने पर जिसकी आईडी ए है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। सिंपल सा मैंने सेंस बनाया, कंट्रोल प्लस एस सेव किया और जाकर पेज पर देखा,
वो सिर्फ जिसकी आईडी ये होगी वो पर्टिकुलर चीज क्या होगी, आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पर अब ये सारी मेथड्स मेरे दोस्त यहाँ पर लिखी होगी कहीं ना कहीं, क्वेरी कोर पर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं सारी मेथड्स आपको मिल जाती होंगी, कहीं कहीं लिखी होंगी, आपको ढूंढनी पड़ती है। अगर आप जेक्वेरी डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हो पीछे आप आना, यहाँ पर कहीं जेक्वेरी का डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा। जो साइट होगी उसी पर कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, बेसिक्स एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं ये पूरा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ होगा, कौन सी मेथड्स होंगी क्या होगा सब कुछ यहाँ लिखा रहता है, कोर्स ये सब इस तरीके से वर्किंग करनी है यहाँ सब मेंशन होगा। देखो ऐड मेथड, ऐड मेथड है, क्लास मेथड, आफ्टर मेथड, ये सब मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स होंगी और हर एक के बारे में इन लोगों ने इनने बताया होगा कि भाई ये मेथड्स ये करती। हम यहाँ पर पेज पर आए, हमने पेज पर सिनेरियो को समझा कि हम जब क्लिक प्रेस कर रहे हैं ये चीज हाइड हो, मैं चाहता हूं कि हाइड जो हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो, तो मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्लो, यहाँ पर लिख सकता हूँ फास्ट, यहाँ पर मैं टाइम भी दे सकता हूँ कंट्रोल प्लस एस, और पेज पर जाकर देखना है कि जो भी मैंने पेज बना रखा है उस पर्टिकुलर पेज पर, ये मेरे पास पेज है, जब मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूँ थोड़ा स्लो हो रहा है, कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो। मैं यहाँ पर तो मैं इसे स्लो लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ फास्ट। ध्यान देना मेथड के साथ में बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी मेथड के साथ में लिख पाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा फास्ट, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ टाइमिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट होने में कितना, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर मैंने लिखा 5000, 5000 का मतलब 5 सेकेंड, ये मिली सेकेंड में दिया जाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मिली सेकेंड कोई भी लैंग्वेज हो भाई, जावा में थ्रेड एक कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी अगर आप स्लिप करते हो तो आपको सेकेंड में देना पड़ता है, इतना आसान चीजें हैं लैंग्वेज है। अगर आप इस पर डूब जाओगे तो आपको लगेगा आसान है, बस घुसना पड़ता है उसके अंदर, बार बार लिखते रहोगे तो आपको लगेगा यार सबने एक ही जैसा तो है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। कंट्रोल प्लस एस और जाकर अगर पेज पर आप देखो, ये मेरे पास पेज है, क्लिक प्रेस करो तो ये देखिए 5 सेकंड लेगा आप क्या होने में, हाइड होने। आपने सिंपल सा टाइम मेंशन कर कि भाई इतना सेकंड ले ऐसा होने पर। एक सिनेरियो को और समझते हैं, हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बेस पर, क्लास के बेस पर। जब हम यहाँ पर आईडी की जगह पर क्या लिखें, क्लास लिखें, मैं यहाँ पर आईडी की जगह पर अगर क्लास लिख दूं तो क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है, डॉट। अगर मैंने यहाँ पर डॉट लिखा, डॉट बी, बी वाला हाइड होगा, बी वाला गुड आफ्टरनून वाला हाइड होगा, कितने सेकंड लगाएगा, 5 सेकंड लगाएगा। मैं कंट्रोल प्रोसेस करा और जाकर पेज पर देखा कि भाई जो भी मैंने ये बटन पे क्लिक करने पर नीचे वाला हाइड हो और उस पर कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। मेथड्स बनी हुई है, बस मैंने उन मेथड्स के काम पर काम करना, ये सेकंड लिखना, फास्ट लिखना, स्लो लिखना, ये मैंने तो नहीं बनाया है ना, ध्यान ऐसे देना पड़ता है कि टीचर ने कुछ नहीं बनाया है, बनी हुई जेक्वेरी लाइब्रेरी है उसके अंदर मेथड्स हैं, उन मेथड्स को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं वो सामने वाला बता रहा होता है। किसी भी टीचर ने ना मैथ्स बनाई, ना हिंदी बनाई, ना इंग्लिश बनाई, तो टीचर से बाहर जो निकलता है वो सीखता है। हम पेज पर यहाँ सिनेरियो को समझ रहे हैं कि कैसे इस सिनेरियो पर वर्क करेंगे। अगर मान लो मेरे पास दो बटन होते, समझना इस बात को, अगर मेरे पास दो बटन होते, लेट से मैंने इस पर भी क्या लिखा है, क्लिक लिखा है। इस बार जब मैंने कोडिंग कर रखी है, नोटिस करना, जब मैंने कोडिंग कर रखी है तो बटन पर क्लिक करने पर कर रखी है, ऐसा तो नहीं कर रखा कि इस पर क्लिक होने पर या इस पर क्लिक होने पर, मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कोड चल जाएगा क्योंकि मैंने बटन को डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो बटन को भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं कैसे, या तो आईडी या फिर क्लास, किस बटन पर क्या होना है। अगर तो मैं यहाँ पर इसकी आईडी डिफाइन कर देता, जैसे इसकी आईडी ए है, अगर सिर्फ ए वाली आईडी पर क्लिक होने पर ऐसा हो तो मैं यहाँ पर हैश से मेंशन करता, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हैश ए, इस पर अगर क्लिक होता है
तब क्या हो, ये जो बी वाला है वो हाइट हो जाए। फिर से पेज पर वापस आते हैं, दोबारा से इसी सिंटेक्स को लिखते हैं, नई एक फाइल बनाई, लेट्स से मैंने इसकी फाइल का नाम लिखा b.html और इस b.html वाली फाइल के अंदर Ctrl + Exclamation Mark Alt + Z Ctrl + S यहां पर मैंने कोई भी एक टैग यूज किया, जैसे मैंने p टैग बनाया, उस पर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे लॉरेंस टूवर्ड्स, मैंने क्लिक प्रेस किया तो बटन, जैसे बटन लाते हैं और बटन पर मैंने किया क्लिक, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ हाइड करने का, और दूसरा एक और बटन बना देता हूँ जिस पर मैं लिख देता हूँ शो कर। और अगर मैं सिंपल सिनेरियो की बात करूँ तो आप देख रहे हैं बस मेथड्स के खेल की, हाइड करने की या फिर क्या करने की, शो करने की। हमारे पास ये सिनेरियो है, अगर मुझसे कहा जाए कि इस हाइड पर क्लिक कर, हाइड कर दो, इस पर क्लिक करके इसे क्या करा दो, शो करा दो। तो अगर मैं जेक्वेरी पे काम कर रहा हूँ तो कितना आसान है, देखिए आप पेज पर काम कर रहे हैं, जेक्वेरी के सीडीएम को आपको इंक्लूड करना है, तो आप पेज पर आए, आपने अच्छे जेक्वेरी तो सर्च करी तो जेक्वेरी का सीडीएम आपको मिल जाएगा, क्रॉस ब्राउजर नेटवर्क, क्रॉस ब्राउजर नेटवर्क, इस पर आप आए तो सीडीएम सिंपली सर्च कर। jQuery CDN तो इजी मिल जाए, उसको इजीली सर्च कर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए, मिनीफाइड पर क्लिक किया, बोर्ड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने पेज पर जो भी आप पेज बना रहे हैं उस पेज पर इंक्लूड कर दी, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, और अगर आप सिंपल इसी पेज पर लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। क्या किया आपने, लिखा फिर से वही सिंटेक्स, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करने पर एक फंक्शन कॉल हो, अभी मैं इसी सिनेरियो पर लिख रहा हूं, फंक्शन तो डॉट रेडी करने पर एक फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक किया है तो जो p लिखा है वो हाइड हो जाए। तो मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो क्लास या फिर आईडी से डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे इसको मैंने हाइड के लिए h डिफाइन कर दिया इसकी क्लास को, और इसकी क्लास मैंने डिफाइन कर दी s, आईडी या फिर क्लास, मैंने यहाँ पर शो लिख दिया, s लिखा। अगर मैं यहाँ पर पेज पर आया तो मेरे को वर्किंग करनी है क्या करने पर, अगर मुझे डॉलर h वाली क्लास पर डॉट h, अगर मैं इस पर क्या करता हूं, क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो, देखो कैसे लिख रहे हैं, जिस फंक्शन के आगे नाम नहीं लिखा होता है उस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन बोला जाता है। इस फंक्शन के आगे कहीं नाम वाम नहीं लिखा है ना, फंक्शन लिख गया बस, एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, ऐसे लैम्डा फंक्शन बोला जाता है, इस फंक्शन में नाम नहीं देते। हम यहाँ पर पेज पर आए, इस पर मेरे को वर्किंग करनी है, जो पी मैंने बना रखा है उसको हाइड करना है। तो अगर सिंगल ही पी है तो मैं जिसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ कि पी को क्या कर दो, हाइड कर दो, और हाइड करने में लेट्स से कितना सेकेंड लगाओ, 4 सेकेंड लगाओ। और दूसरा मैंने फिर से कोड किया, अब इसी रेडी के अंदर ही कोडिंग हूं, मैंने दूसरी कोडिंग क्या करी, मैंने कहा कि भाई जब मैं इस एस पर क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, जो भी मैंने आईडी बना रखी है, क्लास से अगर बना रखा है तो क्लास बना रखी है डॉट एस, तो अगर मैंने एस पर क्या किया, क्लिक प्रेस किया, तो क्लिक प्रेस करने पर एक फंक्शन कॉल हो, और ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हो जाए भाई, जो भी मैंने p बना रखा है उसको शो कराना है, तो जो मैंने p बना रखा है उसको शो कराने के लिए भी शो नाम की मेथड बनी पड़ी है। मैंने बस p को, जो भी p था, क्लास नहीं है, सिंपल p है, इसको क्या करा दिया, शो करा दिया, तो भाई 3 सेकेंड लगाए क्या होने में, शो होने में। मेथड्स बनी हुई हैं, बस आपको सिंटेक्चुअली बार पता चल जाए मेथड्स का यूज कर रहे हैं। मैंने सेव किया कंट्रोल प्लस एस,
और जाकर अगर पेज पर देखा, जब मैं हाइड पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, नीचे ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, डिप के अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक टैग बना रखा है बस। और जब मैं शो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, शो, क्योंकि मेथड है, बस उस मेथड को मैंने क्या करना है, यूज करना है, बस सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स को एक दो बार लिखेंगे तो आपको आ जाता है। सिंटेक्स पहली बार में नहीं आते हैं, हमेशा ध्यान रखा करो इन चीजों, जैसे कक्षा ओ में हम गए, केजी में हम गए, तो पहले दिन में हमें और लिखना नहीं आता है, हमारा टीचर बड़ा अच्छा अच्छा राइटिंग लिख रहा होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ ध्यान दो कि जब मैंने बार बार इस कोड को लिखा होगा तो मुझे सिंटेक्सली याद होगा, यहाँ ब्रैकेट लगना है, यहाँ पर फंक्शन लगना है, जब आप एक दो बार लिखोगे तो आपको आदत पड़ जाती है। हम पेज पर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन बोले कि भाई एक ही बटन हो, उसी बटन से ओपन हो और उसी बटन से क्या हो, क्लोज हो, जैसे हमारे पास लाइट का स्विच होता है, उसी से खुलता है और उसी से क्या होता है, बंद होता है, इस वर्ड को बोला जाता है टॉगलिंग। ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, टॉगल बोलते हैं, कि टॉगल होना है। हम पेज पर आए, हमने लेट्स एक फाइल क्रिएट करी c.html और इस c.html के अंदर shift plus exclamation mark alt plus z, इससे मैंने कोई भी एक टैग यूज कर रखा है, आप कोई भी टैग बना सकते हो, मैंने इस टैग के अंदर लॉरेम लिखा है और लॉरेम के टू वर्ड्स बना रखे हैं और एक बटन बना रखा है, लेट्स इस बटन पर लिखा है क्लिक। अब इसी बटन से खुलना है और इसी बटन से क्या होना है, हाइड होना है। तो अभी मेरे को इसके लिए सिनारियो बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर आया, सबसे मैंने मुझको जेक्वेरी का सीडीएन इंक्लूड करना है, तो हमें पता है कि भाई सीडीएन कैसे इंक्लूड होगा, ये हमारे कॉपी है, मैंने इसे कर दिया इंक्लूड हमारे पास पेज पर, इंक्लूड हो गई जेक्वेरी। जब इंक्लूड हुई तो मैंने कहीं पर भी एक स्क्रिप्ट टैग फिर से क्रिएट किया और इस स्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग करनी स्टार्ट करी। मैं यहाँ पर आया, क्या करना है, बटन पर क्लिक करके हाइड और शो कराना है। तो देखिए डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करने पर एक फंक्शन कॉल हो और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर वर्किंग हो, क्या वर्किंग हो भाई, जो भी मैंने बटन बना रखा है, तो बटन बनाने पर एक ही बटन है तो सिंपल आईडी वाईडी की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही पे काम करना है, एक पेज पर हूं तो मैं आईडी से को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ किया कि बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो और ये पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो भी मैंने पी बना रखा है या एच वन बना रखा है, वो एच वन हाइड भी होना है और शो भी होना है। तो मैं यहाँ पर आया, पेज पर मैंने वर्किंग कर दी, मैंने क्या किया, एच वन को टॉगल करा दिया, हाइड भी होना और शो भी होना, वर्किंग क्या है, टॉगल रख दिया। इस टॉगल के अंदर आपने टाइम दे दिया, टाइम देना चाहो फास्ट स्लो और टाइम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सेव किया और जाकर पेज पर देखा, राइट क्लिक और ओपन विद लाइव सर्वर, कि भाई ये जो भी मैंने पेज बना रखा है, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही ये हाइड हो रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है, और जब मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो ये वैसे ही शो भी हो रहा है। इसके लिए हमारे पास मेथड्स बनी हुई होती हैं, टॉगल बोलते हैं, ठीक है, बटन पर क्लिक करने पर दिखे उसी बटन पर हाइड हो जाए, मतलब टॉगल। इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, लेट्स से इस फाइल का नाम d.html मैंने लिख दिया, ठीक है, तो d.html एक नई फाइल है। इस d.html वाली फाइल के अंदर मैंने क्या किया, shift plus exclamation mark alt plus z, मेरे पास सिंपल सा जैसे कोई भी एक टैग बना हुआ है h1 या इस पर सिंपल लिख रखा है लॉरम 4। मैं यहाँ पर आया, पेज बटन बनाया मैंने, बटन पर क्लिक करने पर, इससे मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज कर दूं, ऐसा पढ़ा था ना हमने, .css document.getElementById.style.html
जो भी प्रॉपर्टी आपने देनी थी, कलर इज इक्वल टू समथिंग, या फिर मल्टीपल देनी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी प्रॉपर्टीज देनी है वो। इसी तरीके से अगर आप यहां पर वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास मेथड्स होगी सीएसएस लगाने के लिए भी। आपके पास ये पर्टिकुलर पेज बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज कर दूं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, ऐसा कुछ अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहला काम सीडीएन पर जाऊंगा, इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मेरे पास जो भी पेज बना हुआ है उस पर इसे इंक्लूड करा दूंगा। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग करी। क्या वर्किंग करी? सबसे पहला काम डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन करने पर एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी मुझे वर्किंग करनी है वो। अब वर्किंग क्या करनी है भाई, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे सीएसएस अप्लाई करना, ठीक है, बेसिक सी एक मेथड, उस मेथड से हम सीएसएस अप्लाई कर देंगे। तो डॉट सीएसएस अप्लाई करेंगे, डॉलर क्या करने पर, बटन पर क्लिक करने पर, मैंने यहाँ पे सिनेरियो बनाया कि बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मुझे इस एच वन वाले पर सीएसएस देनी है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, मैंने कहा एच वन पर सीएसएस देनी है, तो कहीं ना कहीं सीएसएस क्या बनी होगी, मेथड बनी हुई, जो भी कुछ देना है मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीपल प्रॉपर्टी देनी है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सिंगल देनी है तो आप ऐसे दे सकते हैं। आपने यहाँ पर डिफाइन किया क्या, बैकग्राउंड कलर, बस बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर पर जो भी कलर देना है, जैसे रेड देना है, ब्लू देना है, ग्रीन देना है, क्या देना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखने का तरीका होता है कि भाई कॉमा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कैसा सिंटैक्स होगा, बस वो ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज को कैसे लिखना है। हम पेज पर आए, हमने इसे सेव किया और जाकर पेज पर देखा कि जो भी मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर रखा है तो बैकग्राउंड कलर पीछे स्क्रीन पर दिखता है या नहीं दिखता है। तो मेरे पास पेज ऑलरेडी ओपन है, मैं जाकर पेज पर देखता हूँ, ये मेरे पास पेज, जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करूँ तो मेरे पास पीछे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज अगर देनी है, अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाहते हो, ये तो सिंगल है, अगर आप एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे। यहाँ पर हम पेज पर आए, बटन बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो, अच्छा क्लिक तो कर दिया ना हमने, क्लिक कर दिया है, तो मैं यहाँ पर आया पेज पर एच वन में मेरे पास सी एस एस अप्लाई है, तो मैंने लिखा डॉट सी एस एस और इस सी एस एस पर मल्टीपल सी एस एस अप्लाई करनी है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज हो। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी वैल्यू, दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू, इस तरीके से सारी। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने सिनेरियो लिखा, मैंने कहा भाई जो भी प्रॉपर्टी देनी है, ऐसे मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर कैसा देना है, ऐसे व्हाइट रेड देना है, ठीक है, बस ध्यान देना। अब इसके साथ में यहाँ पर कॉमा में अगर एरर दे रहा है तो लगेगा कोलोन, जैसे मुझे कलर अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर कलर और कलर पे क्या लिख दिया, जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो बैकग्राउंड कलर ऐसा हो और कलर ऐसा हो, मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, अब नोटिस करना अगली बार, जैसे हमने लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ा था क्या, कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो मैंने कुछ लिख रखा है उसकी जगह पर कुछ और हो जाए, जैसे हेलो लिखा है, हेलो की जगह पर क्या हो जाए, गुड मॉर्निंग हो जाए। सबसे पहला कोड ऐसा ही बना देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन बाय आईडी और समथिंग, पहले आईडी को गेट करा के डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसका इनर टेक्स्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वही काम अगर मुझे यहाँ पर करना होता, लास्ट प्रोग्राम बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते थे क्योंकि मेथड होगी उसके लिए भी। हम यहाँ पर पेज पर आए, ई डॉट एच टी एम एल की फाइल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्ट प्लस जेड, यहाँ पर पेज पर मैंने सिंपल सा डिफाइन किया, एच वन
और यहाँ पर लेट्स से कुछ भी लिख दिया लॉरेम, लेट्स से टू वर्ड्स। बटन पर क्लिक करने पर अगर वर्किंग करनी है तो आपने लिखा बटन पर क्लिक करने पर कुछ हो, अब उसके लिए आप सबसे पहले पेज पर क्या करा दोगे, स्क्रिप्ट को इंक्लूड करा दोगे। आपके पास ये पेज बना हुआ है, आपने जो मिनीफाइड स्क्रिप्ट है उसको कॉपी किया और पेज पर इंक्लूड करा दिया। मेरे पास पेज है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया और मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने कहा स्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग। सबसे पहला काम स्क्रिप्ट लिखने में कैसे लिखनी होती है स्क्रिप्ट, यहाँ पर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करने पर एक फंक्शन कॉल होने, एक ही बार को बार बार लिख रहा हूँ उससे कि आपको ये पता चल जाएगा भाई यही लिखना ही लिखना। यहाँ पर हम पेज पर आए, इसके बाद क्या करना है, बटन पर क्लिक करने की पर इस एच वन की जगह पर लेट से गुड मॉर्निंग हो जाए, जो अंदर लिखा है उसकी जगह पर क्या हो जाए, गुड मॉर्निंग हो जाए। तो आप यहाँ पर कैसे कर लेते, आप यहाँ पर पेज पर आते, आपने बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन को कॉल किया और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप क्या करना चाहते हो, इस H1 पर कुछ करना चाहते हो। तो H1 के बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट नाम की मेथड, HTML चेंज करना है तो डॉट HTML नाम की मेथड होती है। और यहां पर पेज पर आए, मुझे चेंज करके क्या कर देना है, ऐसे गुड मॉर्निंग कर देना है। तो बटन पर क्लिक करने पर H1 के टेक्स्ट को चेंज करके क्या कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया। अगर मैं पेज पर आता हूँ और इसे रन करा कर देता हूँ, जो भी मैंने फाइल बना रखी है, फाइल का नाम है e.html, ध्यान देना बस यूआरएल चेंज कर दे रहा हूँ। और क्लिक क्रस करने पर क्या करना चाहता हूँ, सिंपल सा टास्क है ना, जो काम बंदे को डेवलपर्स को टफ लगता था जावास्क्रिप्ट में लिखना, उसके लिए क्या है, जेक्वेरी है। क्योंकि जेक्वेरी में मेथड्स बनी हुई है, बस आपको एक बार सिंटेक्स वाली चीजें समझ में आए, जेक्वेरी क्या होती है, कंपेरेटिवली आसान हो जाती है क्योंकि मेथड्स हो जाती है। लाइन ऑफ कोड देखिए, तीन लाइन पे कोड आ जा रहा है आपका, जो कोड आप लिखते तो वहां पर आईडी गेट कराते हैं डॉट इनर एचटीएमएल, सिंटेक्सुअली भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो इस तरीके का बंदा है जो आईटी को नहीं समझ पाता है, उसके लिए क्या थी, जेक्वेरी थी, डेवलपर्स ने बनाकर रखी गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है जेक्वेरी का, बस जेक्वेरी के अंदर नंबर ऑफ मेथड्स। तो कल इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, आज से कितना ही, समझते हैं।